तो आप अपने घर पे अगर ब्रेड पकौड़ा पनीर वाला बनाए तो आप इसी तरीके से बनाए और ब्रेड पकौड़े का आनंद लीजिए। और ये हमारा जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही पकौड़ा मैं बनाई हूँ, तो आप ज़रूर ऐसे बनाइए। और अब मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। तो देखिए मैं ये तोड़ के एक बार और दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ये बहुत गर्म है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। तो देखिए इधर मैं ब्रेड लाई हूँ एक पैकेट, और ये है बेसन, चने का बेसन है। इसको हम फेंट के 10 से 15 मिनट रख देंगे। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या डालना है। ये है अजवाइन, इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे और तब डालेंगे इसको। तो देखिए हम इसमें थोड़ा अजवाइन डाल दे रहे हैं। ये है बेकिंग पाउडर, तो देखिए हम थोड़ा सा डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से ये ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए हींग है, थोड़ा सा है, आधा चम्मच से कम है, तो हींग अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि इसका जो चोखा मसाला बनाएंगे उसमें भी पड़ा रहेगा, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंटेंगे, ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, नहीं तो ये एकदम गीला हो जाएगा। देखिए इसको फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसको ना हमको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी हमारा पकौड़ा अच्छे से बनेगा नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा पकौड़ा एकदम मोटा मोटा बनेगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमको एकदम मीडियम बनाना है। तो देखिए इसमें मैं हल्दी भूल गई थी, इसमें हल्दी भी थोड़ा सा डालना है। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसको हमको कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही फेंटना है, एकदम ये अच्छा फेंटा जाए। अगर इसको अच्छा फेंटेंगे नहीं तो ये पकौड़ा हमारा अच्छे से छनाएगा नहीं। तो देखिए ये अच्छा से हमारा सेट हो गया है, एकदम अच्छे से फेंटा गया है, और देखिए हमारा इतना गीला ही रहेगा। हम आपको चम्मच से दिखाते हैं, देखिए गिराने पे जैसे ये कितने अच्छे से गिर रहा है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, और हम चटनी बनाने जा रहे हैं। तो हम चलिए दिखाते हैं चटनी कैसे बनेगा। तो ये देखिए मैं धनिया की पत्ती ली हूँ, ये धनिया का पत्ती है, ये काला नमक है, ये मिर्चा है, अपने जितना तीखा खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये है मूंगफली का दाना, और ये है अदरक है, और नींबू है, ये गड़ी है हमारा सूखा नारियल, इसको भी मैं थोड़ा सा कट कर ली हूँ, और ये है लहसुन। ये सारा एक ही में मिक्स करके हम चटनी बनाएंगे, और हमको गाढ़ा चटनी बनाना है। तो इसको हम सारा इसी में डाल देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम सफ़ेद वाला भी नमक डालेंगे, काला नमक डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है चटनी का। और ये अदरक है, इसको छोटा सा कट करके इसको ऐसे डाल देंगे, और ये नींबू है, नींबू भी इसी में निचोड़ देंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नींबू ही डालिए, खट्टा करने के लिए आप कुछ भी डाल सकती हैं। तो हम नींबू डाल रहे हैं, तो हम इसमें एक नींबू डालेंगे। तो हमारा ये हरा चटनी है, और हमको लाल चटनी भी बनाना है। ये हम मसाला चोखा बनाने के लिए देखिए तेल रख दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये हमारा गरम हो गया है। तो मसाला चोखा बनाने के लिए देखिए सबसे पहले है ये लहसुन है, मैं कुछ कुचा ली हूँ, काटी नहीं हूँ, इसको डालेंगे। और ये देखिए ये काला सरसों है, इसको भी हम डाल देंगे तड़के के लिए। और ये देखिए साबुत धनिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और ये सौंफ है, सौंफ भी हमको इसी में ऐड कर देना है। तो ये हमको सारा, और ये कस्तूरी मेथी है, तो इसको अभी नहीं डालेंगे, रुक के डालेंगे, ये जब हमारा ब्राउन हो जाएगा तब हम डालेंगे। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे भूनना है हमको, ये जब ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा गरम मसाला है, एक चम्मच आधा चम्मच हल्दी है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है, एक कस्तूरी मिर्च का पाउडर है, ये चाट मसाला है, और ये काली मिर्च है, काली मिर्ची का पाउडर है। तो ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हमको एकदम लो फ्लेम पे भूनना है। और ये कस्तूरी मेथी है, सारा हम एक ही में मिक्स करके डालेंगे। तो ये मसाला हमको एकदम रेड कलर में बनाना है, ये जो मसाला चोखा हम बना रहे हैं।
ब्रेड पकौड़ा के लिए, तो इसको हमको रेडी बनाना है। इसमें हरा मिर्चा ना डालें तभी सही है, आप जितना डालना है रेड मिर्चा ही डालिए। और अगर आपको हलवाई जैसा स्वाद चाहिए तो ऐसे ही बनाइए। देखिए ये 5 आलू है, इसको उबाल ली हूँ, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब ये मेरा मसाला भुना गया है, अब इसको भी इसी में भून देंगे। तो देखिए नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हम बेसन में भी थोड़ा नमक डाली हूँ, तो कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा ना रहे। तो ये देखिए हमारा ये मसाला चोखा जो है ये बन के एकदम रेडी हो गया है। तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और मैं रेड चटनी बना लेती हूँ। हरा चटनी मेरा बन गया है, रेड चटनी बनाना है। तो जब तक ठंडा होगा तब तक मैं रेड चटनी बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टमाटर केचप ले ली हूँ, और इसमें चिल्ली सॉस मिलाऊंगी। तो देखिए ये 2 चम्मच मैं चिल्ली सॉस डाल दी हूँ, अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए ये हमारा रेड चटनी बन गया है, इसको अच्छे से हम फेंट दी हूँ। अब ग्रीन वाला चटनी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ग्रीन चटनी हमारा बन गया है, ये भी दोनों हमारा तैयार हो गया है। तो ये ग्रीन चटनी है, अब हम ब्रेड में इसको लगाएंगे और उसके बाद से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमको ये ग्रीन वाला चटनी ऐसे लगाना है एकदम अच्छे से भर के। तो ये रेड चटनी लगा रही हूँ मैं, इसको ऐसे इसको भी लगा लेना है हमको। तो देखिए चोखा हम ये जो ग्रीन वाला है चोखा हम इसी पे लगाएंगे, क्योंकि इस पे लगाएंगे तो एकदम अच्छा से सेट हो जाएगा। तो हमको देखिए चाकू से ऐसे ऐसे लगा देना है। तो देखिए ये मैं अच्छे से ये जो है मसाला चोखा मैं अच्छे से लगा दी हूँ। तो इसके बाद से देखिए मैं पनीर लगाऊंगी इसमें। अगर आपको दुकानों के जैसा रेस्टोरेंट के जैसा आपको ब्रेड पकौड़ा खाना है तो आप पनीर भी इसमें लगा देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद इसका एकदम एक नंबर का लगेगा। तो देखिए पनीर हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो ब्रेड है इसको हम इसके ऊपर से लगा देंगे। और देखिए ये हमारा धीरे से ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, दूसरा वाला बना लेते हैं। तो देखिए हम सारा एक एक करके ऐसे बना लेंगे, तब हम फ्राई करेंगे। देखिए ये मैं सारा ब्रेड एकदम अच्छे से ये मसाला लगा के रख ली हूँ। तो मैं देखिए इसको पहले काट के तब फ्राई करूँगी, और एकदम दुकानों के जैसा जैसे हमारे बाज़ार में मिलता है ब्रेड पकौड़ा, वैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है पनीर वाला पकौड़ा। तो हम इसको देखिए सारा काट ली हूँ, अब हम चल रहे हैं फ्राई करने। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ अपन तेल गरम होने के लिए। तो देखिए ये एकदम हाई फ्लेम पे रखी हूँ, आप भी हाई फ्लेम पे रखिएगा। एकदम तेल जब गर्म हो जाएगा तब हमको ब्रेड पकौड़ा डालना है। तो इसमें हम चल रहे हैं बेसन लगाने के लिए। तो देखिए हमको इसी तरीके से पकड़ के देखिए ऐसे पहले ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो देखिए एकदम अच्छे से लग गया, और देखिए साइड से अगर नहीं लगे तो आप ऐसे करके लगा दीजिए। तो देखिए ये बढ़िया से लग गया है, बाकी का बेसन जो है एक्स्ट्रा बेसन हम ऐसे गिरा देंगे। तो हम इसको बेसन को पकौड़े को इसमें डाल देते हैं। तो देखिए इसको हमको ऐसे ही फ्राई करना है एकदम हाई फ्लेम पर। तो दूसरा भी मैं डाल देती हूँ, जगह है। तो इसको हमको हाई फ्लेम पे बनाना है। तो देखिए ये इसको एक तरफ से हो गया है, तो हम इसको ऐसे धीरे से पलट देंगे। तो ये हमारा ब्रेड पकौड़ा अभी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। पनीर ब्रेड पकौड़ा एकदम एक नंबर का स्वादिष्ट बाजारों वाला। तो अगर आपको ऐसा पकौड़ा बनाना है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। तो ऐसे मैं नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी। तो देखिए हमको हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकालने जा रहे हैं। इसको हम साइड में रखेंगे, और ये दूसरा वाला भी हो गया है तो इसको भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पनीर वाला पकौड़ा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना अच्छा होगा। तो आप ज़रूर अपने घर पे ऐसे ही ट्राई करिएगा ब्रेड पकौड़ा, कि देखिए एक पकौड़ा खाएंगे खाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी से पेट भर जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बन रहा है और ये दो बन गया है। तो इसको हम आपको पहले दिखा दूँ कि ब्रेड पकौड़ा कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको काटने में एकदम मस्त हो गया है। तो देखिए देखिए, ये पनीर है और ये मसाला चोखा डाली हूँ इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। तो पकौड़े के साथ इंजॉय करिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।